देखिए व्यूअर्स, हमारी फिश जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमारा वेजिटेबल पुलाव जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो इसकी रेसिपी वैसे मेरे चैनल पर मौजूद है, यानी कि पहले मैंने शेयर की हुई है। तो मैं इसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है वो शेयर कर दूँगी इस दावत में, यानी कि जो आज मेरा दावत का मेन्यू है उसमें हमारा वेजिटेबल पुलाव है, फ़िश है, और फ़िश फ्राई फ़िश भी है, फ़िश कड़ी भी है, और आलू कीमा मटर भी है। यानी कि उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो अभी मैं जो है ये वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ। प्याज मैंने डाले हैं इसमें, इनको मैंने गोल्डन कर लिया। अब इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने दिखाया था अपने व्यूअर्स को, देखें कितना प्यारा प्यारा मसाले वाला हमारा बॉक्स है। ये देखिए इसके अंदर मैं ये दालचीनी जो है ये डालूंगी, और ये तेज़पात है दो अदद ये, और ये देखिए ये बड़ी इलायची है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और ये लौंग है हमारे पास, और इसमें बादियान के फूल नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये साबुत काली मिर्च और लौंग है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। असल में ये पूरा पैकेट लेकर आए हैं, यानी कि ओपन हुआ है, यानी कि खुला मसाला जो होता है वो भी लेकर आए, इसलिए इसमें वो नहीं है। बादियान के फूल, उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। चलें व्यूअर्स, आज हम बादियान के फूल के बगैर ही बनाएंगे पुलाव। और अब मैं इसके अंदर सफ़ेद जीरा ऐड करूँगी। देखिए व्यूअर्स, एक चम्मच हम 1 टेबल स्पून गरम ये साबुत जीरा ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ये सब्ज़ प्याज और सब्ज़ लहसुन ये ऐड करेंगे। ये देखिए ये सब्ज़ लहसुन है कटा हुआ, और ये सब्ज़ प्याज है। देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं प्याज हमारे। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। ऑन है लाइट्स। असल में गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए हमारे घर में भी शोर शराबा वैसे भी होता है। मुस्कुरा दलीबा व्यूअर्स, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है। मैं ये सब्ज मिर्चें डालूंगी। ये देखिए एक कटोरी जितनी हमने फिश में डाली है। देखिए सब्ज़ मिर्च भी हमारी जो है वो हो चुकी है फ्राई। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे। ये 2000 टमाटर हैं चॉप किए हुए। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। देखिए 2 टेबल स्पून, और ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च जो है ये ऐड करेंगे, और ये काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब सबसे पहले हम इसमें जो है ये वेजिटेबल्स
ये मटर और आलू ये दोनों ऐड कर देंगे। अच्छे से भून लेंगे। व्यूअर्स आलू मटर जो है भूने जा चुके हैं हम। अब हम ये गाजरे मैं ऑफ करती हूँ। अच्छा क्या है? और ये बंद गोभी और शिमला मिर्च ये सब कुछ हम इकट्ठा ही ऐड कर देंगे। देखिए व्यूअर्स हमने इसको अच्छे से भून लिया वेजिटेबल्स को। इसमें मैंने ये चिकन क्यूब्स ऐड किए हैं दो और अब मैं इसके अंदर ये सिरका ऐड करूंगी। ये सफेद सिरका ये 2 टेबल स्पून सफेद सिरका ऐड कर देंगे हम इसमें। बैकग्राउंड साउंड जो है इग्नोर कीजिएगा। और ये सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। देखिए व्यूअर्स ये भूनी जा चुकी है वेजिटेबल्स। अब ये जो मग है ये यानी कि 1 किलो का मग है तो ये एक दो है यानी कि चावल हमारे पास 2 kg राइस है तो उसमें मैं ये 3 मग डालूंगी पानी। 3 मग यानी कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। ये देखिए व्यूअर्स पुलाव जो है ये मैंने इसमें चावल डाल दिए ऐड कर दिए। और ये देखिए अभी इतना इसमें पानी रह जाएगा तो हम दम दे देंगे। ये देखिए ये स्टीम की वजह से सही से वीडियो नहीं नज़र आ रही है। ये देखिए अब मैं इसको दम दे दूंगी। इस तरह से हम इसको कपड़े से कवर करके ढक्कन को तो फिर इससे हम दम दे देंगे इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये व्यूअर्स हमारे राइस जो है वो रेडी हो चुके हैं। उनको मैंने जो है 5 मिनट दम दिया था उसके बाद मैंने हटा लिया यानी कि फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो अब ये देखिए हम फिश फ्राई करने लगे हैं। इसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया है, इसको हीट अप होने के लिए रख दिया है। अब हम फिश फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारी जो बाकी चीज़ें हैं वो तो रेडी हो चुकी हैं तकरीबन। अब ये देखिए ये हमने बर्तन भी सारे निकाल कर अभी सेट किए हैं। तो ये देखिए अभी फिश जो है कुछ फ्राई हो रही है और कुछ फ्राई हो चुकी है। ये देखें यहाँ पर हमारी ये फ्राई फिश रेडी है। और ये हमारा जो फिश सालन था यानी कि फिश कड़ी वो भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर ये देखिए आलू कीमा मटर भी रेडी हो चुका है और राइस भी रेडी हो चुके हैं। देखिए ये दम पर अभी थे, अभी मैंने इसको खोला नहीं है। ये देखिए ये हमारे राइस भी रेडी हो चुके हैं वेजिटेबल राइस। बुलाया है, बुलाया है। बदलना, बदलना, हाँ, वो करना पड़ेगा।